हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जसबीर कौर क्रिएशंस। आज मैं आपको एक टी कोस्टर बनाना सिखा रही हूँ। टी कोस्टर बनाने के लिए ये मैंने 4 कलर की वुलन ली है, क्योंकि मेरा फ्लावर जो मैं बना रही हूँ वो सनफ्लावर है। तो सनफ्लावर बनाने के लिए ये मैं 4 कलर का यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले ये मैं ब्राउन शेड का यूज़ करूँगी, देन ये डार्क जो है येलो मैं इसका यूज़ करूँगी, और पिटल्स में डबल शेड यूज़ कर रही हूँ क्योंकि अंदर से वो डार्क और थोड़ा सा बाहर से लाइट होते हैं। देन उसके बाद मैं ये लीव्स वगैरह बनाऊंगी ग्रीन कलर से। आपके पास अगर ये 4 शेड नहीं है तो आप सिंगल कलर या 2 कलर या 3 कलर जितने आपके पास है अवेलेबल, आप उसके अकॉर्डिंग आप ये जो है कोस्टर बना सकते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ये ब्राउन शेड ले लिया है। सबसे पहले हम ये ब्राउन शेड से मैजिकल सर्कल बनाएंगे। वो कैसे बनाते हैं मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। सबसे पहले ऐसे वुलन को लेते हैं, देन उसको ऐसे सर्कल में ऐसे बना देते हैं। ये मैंने ऐसे सर्कल में कर लिया है। देन मैं पहला स्टिच जो अपना लूँगी वो यहाँ से ऐसे, मैं ऐसे फर्स्ट जो स्टिच है मैं ऐसे यहाँ से ये यहाँ से ऐसे ले रही हूँ। ऐसे ही हम आगे इसको कंटिन्यू करते जाएंगे। पहले ये मैंने सबसे पहले ये सिंगल स्टिच ले लिया है, देन उसके बाद ये मैं यहाँ से एक चेन बना रही हूँ और ये एक और। ओके फ्रेंड्स, पहले हमने जो है सर्कल में सिंगल स्टिच लगाया और उसके बाद 2 चेन लगा ली है। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, ये हम डबल स्टिच लेंगे, थ्रेड को क्रोशे के सामने लेके आएंगे, देन ये सर्कल है जो इसके अंदर इंसर्ट करेंगे, देन नया स्टिच लेंगे और ये हमारे पास जो है 3 बन गया, 3 का 2 और 2 का 1 करेंगे। ओके फ्रेंड्स, अभी हम दोबारा रिपीट करेंगे। थ्रेड को अपनी साइड लेके आएंगे क्रोशे के फ्रंट में, देन यहाँ से सर्कल में जाएंगे, नया स्टिच लेंगे, ये 3 बन गए हैं, 3 का 2 और 2 का 1 करेंगे। ये हमने अभी 2 डबल स्टिच ले लिए हैं। देन मैं फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। थ्रेड को क्रोशे के सामने लेके आएंगे, देन सर्कल में इंसर्ट करेंगे, नया स्टिच बनाएंगे और ये 3 के 2 और 2 का 1 करेंगे। ये अभी हमने 3 टाइम जो है सर्कल में से निकाल लिया है। ऐसे ही जैसे मैंने आपको अभी डबल स्टिच लेके ये 3 टाइम निकाला है, ऐसे हम 12 टाइम निकालेंगे। फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और टेन इलेवन, और ये हमारा हो गया 12। ये हमने अभी यहाँ पे 12 टाइम निकाल लिया है। क्योंकि ये हमारा मैजिकल सर्कल है, अभी हम इसको ऐसे पकड़ेंगे, ये जो फर्स्ट वाला है अभी हम इसको पकड़ेंगे और ऐसे इसको खींच के ऐसे टाइट कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, अभी हमने इसको ऐसे कर लिया है। देन हम यहाँ से ये वापस पहले वाले में इंसर्ट करेंगे और यहाँ से ये फर्स्ट वाले में क्रोशिया इंसर्ट करेंगे, नया स्टिच लेंगे और इधर से ऐसे निकाल देंगे। ओके फ्रेंड्स, अभी ये हमारा जो है सर्कल रेडी हो गया है।
यहाँ से हम थ्रेड को कट करेंगे और इसको अच्छे से टाइट करेंगे। अभी हम दूसरे कलर के यूज करेंगे। ये हमारी सेकंड रो है, इसके बाद हम सेकंड रो शुरू करेंगे और हमने ये जो है कलर दूसरा यूज करेंगे। ओके फ्रेंड्स, अभी ये हमारा बन गया है। हम अभी सेकंड जो है कलर यूज करेंगे। सेकंड कलर यूज करने के लिए सबसे पहले ऐसे थ्रेड को पकड़ेंगे, देन जैसे मैंने पहले आपको बताया है ऐसे हम यहाँ से ये स्लिप नॉट लेंगे। ये मैंने स्लिप नॉट लगा ली है, इसमें क्रोशिया इंसर्ट करेंगे, देन इसको यहाँ से ऐसे पकड़ेंगे, देन इसको एक बार जो है थ्रेड को ऐसे टर्न करेंगे और ये जो हमारा सर्कल है मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, इसमें ऐसे ये गैप बन गए हैं। ये देखिए इसमें ये गैप है। अभी हम जो ये गैप है इनके बीच में जो है ये स्टार्ट करेंगे, ऐसे फ्रंट में थ्रेड को लेके आएंगे, देन कहीं से भी जो गैप है हम क्रोशिया उसमें इंसर्ट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, देन ये एक हम स्टिच लेंगे, ये लॉन्ग स्टिच ले लिया है मैंने। अभी इसी गैप में मैं 2 टाइम और निकालूंगी। ये 1 हो गया है हमारे पास, देन ये 2 एंड ये 3। ये मैंने 3 टाइम यहाँ से निकाल लिया है। अभी हम ये सभी को एक साथ ऐसे निकाल लेंगे और एक चेन लेंगे। मैं आपको फिर से बता देती हूँ, सबसे पहले ऐसे, देन जो गैप है वहाँ इंसर्ट करेंगे, 3 टाइम निकालेंगे। ये जैसे हमने ये निकाल लिया 1, देन ये 2 और ये 3, 3 टाइम निकाल लिया है, देन सबको एक साथ निकालेंगे और सिंगल स्टिच लेंगे। ओके फ्रेंड्स, मैं फिर से एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। जैसे हम डबल स्टिच लेते हैं क्रोशे में, ऐसे बल डालेंगे, देन जो गैप है उसमें क्रोशे इंसर्ट करेंगे, नया स्टिच बनाएंगे जिस गैप में हमने पहले डाला था, फिर अगेन बल लेंगे, ऐसे फिर से डालेंगे 2nd टाइम, फिर से ये 3rd टाइम और सभी को एक साथ फिर ऐसे निकाल देंगे, देन सिंगल चेन लेंगे। जैसे अभी मैंने ये आपको करके बताया है, ये हमने जो ब्राउन कलर के ये 12 लिए हैं, तो सबके बीच में जो गैप है वहीं से ये मैं ये येलो वाले बना रही हूँ, तो ऊपर ये येलो वाले भी मेरे जो है 12 ही बनेंगे। ये मैंने 3 जैसे बना लिए हैं, ऐसे ही हम 12 बनाएंगे। अगेन क्रोशिये को ऐसे फ्रंट में अपनी साइड फेस रखेंगे, बल लेंगे और देन जो गैप है उसमें इंसर्ट करेंगे, बाहर निकाल लेंगे, अगेन उसी होल में डालेंगे 2nd टाइम, बाहर निकाल लेंगे 3rd टाइम, उसी होल में डालेंगे बाहर निकाल लेंगे और एक साथ सबको ऐसे निकाल देंगे। ओके फ्रेंड्स, ऐसे ही हम इसको कंटिन्यू करेंगे।
ओके फ्रेंड्स, अभी हमारे जो है ये येलो वाले 11 हो गए हैं। अभी मैं आपको लास्ट वाला करके बता रही हूँ, ऐसे 3 टाइम। और सबको एक साथ ऐसे बाहर निकाल के सिंगल चेन ले लेंगे। ये अभी हमारे जो है 12 पूरे हो गए हैं। और ये जो हमारा फर्स्ट वाला है, क्रोशियो को यहाँ इंसर्ट करेंगे, देन नया स्टिच लेंगे और दोनों के बीच में से ऐसे निकाल देंगे। ओके फ्रेंड्स, अभी हमारा ये जो सर्कल है ये कंप्लीट हो गया है। ऐसे इसको बाहर निकालेंगे और यहाँ से धागे को कटर की हेल्प से कट करेंगे और अच्छे से टाइट करेंगे। और यहाँ से ये जो थ्रेड है इसके साथ जो है नॉट लगा के इसको अच्छे से सिक्योर कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, अभी हमारी जो सेकंड रो है ये कंप्लीट हो गई है। अभी हम जो है थर्ड कलर का यूज करेंगे। यहाँ से ये जो एक्स्ट्रा थ्रेड है इनको कट करेंगे ओके फ्रेंड्स, अभी हम थर्ड रो शुरू करेंगे। ये कलर जो है इस वाले कलर से थोड़ा सा लाइट शेड है। अभी स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले सेम वैसे ही करेंगे, थ्रेड को ऐसे टर्न करेंगे, देन ये वाले थ्रेड को इसके बीच में इंसर्ट करके यहाँ से बाहर निकाल लेंगे। देन ये हमारी फिर से अगेन जो है स्लिप नॉट लग गई है, इसमें क्रोशिया इंसर्ट करेंगे। देन यहाँ से ये कहीं से भी हम जो है ये हमारे जो है 12 जो है बने हुए हैं, इसमें आप कहीं से भी डाल सकते हैं। इसको ऐसे पकड़ेंगे, देन ऐसे टर्न करेंगे और यहाँ से मैं ये गैप है जो इसमें इंसर्ट कर रही हूँ और यहाँ से इसको ऐसे ले लिया है। इस साइड को ऐसे रखेंगे। ओके फ्रेंड्स, ये अभी हमने ऐसे ले लिया है, देन इसको ऐसे टर्न करके ये 2 कर देंगे। अगेन ऐसे फ्रंट में लेके आएंगे, ऐसे इंसर्ट करेंगे, देन ये 2 का 1 करेंगे। जैसे अभी हमने ये 2 टाइम डाला है ऐसे हम 4 टाइम डालेंगे। अभी ये 3rd टाइम डाल दी हूँ। ये हमारे सारे डबल स्टिच है, 2 का 1। अभी मैं 4th टाइम डाल दी हूँ। ये जो नए 2 बने हैं यहाँ, इसका 2 का 1। अभी हमारे पास जो है किदोशिया, इसमें हमारे पास 5 हैं स्टिचेस, 5 स्टिचेस को एक बार में ही ऐसे बाहर निकाल लेंगे, देन 1 और 2 चेन लेंगे। ओके फ्रेंड्स, मैं आपको फिर से डिवाइड करवा देती हूँ। ये अभी मैंने 2 की चेन ले ली है, देन फिर ऐसे फ्रंट में थ्रेड को लेके आएंगे, ये जो गैप है इसमें इंसर्ट करेंगे, बाहर निकालेंगे, अगेन 2 का ये 1 कर देंगे, देन अगेन इंसर्ट करेंगे, 2 का 1 करेंगे। ये मैंने 2 टाइम जो है इसमें इंसर्ट किया है। अभी मैं ये 3rd टाइम डाल रही हूँ, 2 का 1 करेंगे, 4th टाइम 2 का 1 करेंगे। अभी मैंने एक ही होल में से 4 बार निकाल लिया है और जो क्रोशिया है उसमें हमारे जो है 5 स्टिचेस हैं। ये 5 स्टिचेस को एक बार में ही हम जो है
बाहर निकाल लेंगे, देन उसके बाद टू चेन लेंगे। अगेन क्रोशे के फ्रंट में थ्रेड को लेके आएंगे, ऐसे ये जो गैप है क्रोशा इसमें इंसर्ट करेंगे, बाहर निकालेंगे, टू का वन करेंगे, वन टाइम ये, टू का वन, ये मैंने टू टाइम कर लिया है, ये थ्री टाइम, टू का वन, और ये फोर टाइम, अगेन टू का वन। अभी हमारे पास क्रोशे में फाइव स्टिचेज हैं, उनको एक साथ बाहर निकाल लेंगे, देन टू की चेन लेंगे। ऐसे ही हम इसको कंटिन्यू करेंगे, और यहाँ जैसे हमारी ये थ्री बन गए हैं, ऐसे ही हम 12 बना के अपना सर्कल कंप्लीट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, अभी हमारे जो है 11 पूरे हो गए हैं, अभी मैं 12 करूँगी। 1 और 2 की ये चेन डाल दी है, अभी ये लास्ट वाले में हम जो है 12 जो अपना कंप्लीट करेंगे। ये 2 की चेन डाल ली है, देन यहाँ से ये ऐसे निकालेंगे, और यहाँ पीछे से इसके इसको ऐसे पीछे से ऐसे टाइट कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, ये अभी हमने टाइट कर लिया है, देन इस धागे को ऐसे खींचेंगे कटर की हेल्प से, कट करेंगे। और यहां से नॉट लगाएंगे। यहां हमने डबल जो नॉट है लगा ली है। और ऐसे हमारी जो है थर्ड जो है कंप्लीट हो गई है। अभी हम इसके लीव्स बनाएंगे। लीव्स बनाने के लिए हम ग्रीन थ्रेड का यूज करेंगे। ओके फ्रेंड्स, अभी हम फोर्थ रो स्टार्ट करेंगे। अगेन हम वैसे यहाँ से स्लिप नॉट लेंगे, कहीं से भी कोई भी स्पेस में से, ये जैसे ये स्पेस बने हुए हैं, किसी भी स्पेस में से ऐसे क्रोशे इंसर्ट करेंगे, देन ऐसे बाहर निकालेंगे, इसको ऐसे टाइट करेंगे अच्छे से, देन टू चेन लेंगे, 1 एंड 2 डबल स्टिच लेंगे, 1 2 अगेन 1 एंड 2 चेन लेंगे। यहां से ये जहाँ से ये है, यहाँ से ये 2 स्टिच उठाएंगे, क्रोशे को इंसर्ट करेंगे, देन इनके बीच में से ऐसे क्रोशिया बाहर निकाल लेंगे, अगेन 2 स्टिच लेंगे डबल, वन, देन ये 2 चेन लेंगे, 1 और 2, देन इसमें ऐसे इंसर्ट करेंगे,
स्लिप स्टिच लेंगे, यहां से स्लिप स्टिच लेंगे, देन यहीं से नेक्स्ट इसमें आगे वाले जो स्पेस है हम यहां से आगे मूव करेंगे, यहां से ऐसे। ओके फ्रेंड्स, मैं आपको फिर से डिवाइड करवा देती हूँ। सबसे पहले 2 चेन लेंगे, 1 2 डबल स्टिच लेंगे, ये मैंने 2 टाइम डबल स्टिच ले लिया है, 2 चेन लेंगे, 1 2 यहाँ ये जो 2 है इसमें क्रोशिया इंसर्ट करेंगे, देन यहाँ से नया स्टिच लेंगे और इन तीनों में से इसको ऐसे बाहर निकाल लेंगे। अगेन डबल स्टिच लेंगे, उसी होल में डाल रहे हैं, पहले वाले होल में ही, देन 2 टाइम डबल स्टिच ले लिया है। अगेन 2 चेन, यहाँ स्लिप स्टिच ऐसे इंसर्ट करेंगे, नया स्टिच लेंगे और इसके बीच में से ऐसे इसको यहाँ से ऐसे और इसके बीच में से इसको निकाल लेंगे। ओके फ्रेंड, आगे फिर से मूव करेंगे नेक्स्ट वाले स्पेस में, ओके फ्रेंड, जैसे हमने ये 2 लीव्स बना लिए हैं ऐसे ही हम कंटिन्यू करेंगे। अगेन 2 चेन, 1 2 डबल स्टिच, 1 अगेन, ओके फ्रेंड, 2 चेन यहां से इंसर्ट करेंगे, देन यहां से क्रोशिये को ऐसे इन तीनों के बीच में से ऐसे बाहर निकाल लेंगे। ओके फ्रेंड्स, अगेन डबल स्टिच लेंगे, टू टाइम, टू चेन लेंगे, 1 2 उसी स्पेस में स्लिप स्टिच लेंगे, और नेक्स्ट वाले स्पेस में मूव करेंगे और अगेन यहां से ऐसे निकाल देंगे। ऐसे ही हम कंटिन्यू करते जाएंगे। अगेन 2 चेन, यहां से डबल स्टिच, 1 टाइम और ये 2 टाइम, 2 टाइम डबल स्टिच लेने के बाद ये दोनों को एक में निकाल देंगे, देन अगेन 2 चेन, ये जो यहाँ थे ये 2 है यहाँ की क्रोशिया इंसर्ट करेंगे, देन ऐसे इनमें से अगेन ऐसे निकाल देंगे, अगेन डबल स्टिच,
ये वन टाइम डबल स्टिच, देन ये सेकंड टाइम डबल स्टिच, देन टू चेन और यहां से ये स्लिप स्टिच और यहां से नेक्स्ट वाले में मूव करेंगे। ओके फ्रेंड्स, ऐसे इसको निकाल लेंगे। देन यहां पीछे से क्रोशे को ऐसे लेंगे, यहां से बाहर निकालेंगे और यहां से थ्रेड को जो है हम कट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, ये हमने थ्रेड को कट कर लिया है। देन इनमें नॉट लगाएंगे। ये मैं डबल नॉट लगा दी हूँ। देन जैसे हमने पहले थ्रेड को हाइड किया था, ऐसे हम जो है थ्रेड को हाइड करेंगे। यहाँ से ऐसे, देन यहाँ से थ्रेड को लेंगे और यहाँ से ऐसे निकाल लेंगे। थ्रेड को हाइड करेंगे, ऐसे पकड़ेंगे, देन यहाँ से बाहर निकाल लेंगे। अगेन हम वैसे ही करेंगे, क्रोशे को यहाँ इंसर्ट करेंगे, देन थ्रेड को ऐसे लेंगे और यहाँ से अगेन बाहर निकाल लेंगे। ऐसे करने से जो हमारा ये थ्रेड है ये हाइड हो जाएगा। ऐसे पकड़ेंगे, देन यहाँ से थ्रेड को ऐसे बाहर निकाल लेंगे। ओके फ्रेंड, देन यहाँ से ये जो एक्स्ट्रा थ्रेड है इसको कट करेंगे। ओके फ्रेंड, अभी हमारा जो ये फ्लावर है ये रेडी हो गया है। ये हमारा क्यूट सा टी कोस्टर है, फ्लावर टी कोस्टर, ये रेडी है। ओके फ्रेंड्स, अभी हमारा ये फ्लावर जो है कंप्लीट हो गया है। आप इसको एज ए कोस्टर यूज कर सकते हो या फिर ऐसे टिकटॉक क्लिप का यूज करके यहाँ से बच्चों के ये हेयर क्लिप के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हो। ये बच्चों की बहुत खूबसूरत हेयर एक्सेसरी भी बन सकता है। चाहे तो आप बच्चों के हेयर बैंड के ऊपर इसको लगा के एज ए हेयर बैंड भी यूज कर सकते हो या ऐसे इसमें रिंग डाल के आप एज ए इसको की चेन भी यूज कर सकते हैं। और इसको किस पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं आप भी मुझे कमेंट में बता सकते हो। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। Thank you guys.